गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। सो आज की इस वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे टाइटल से, मैं बताने वाली हूँ ब्राइडल हैंडबैग एसेंशियल लिस्ट, यानी दुल्हन के हैंडबैग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ये मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी इस गर्मियों में होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड यस पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि एक दुल्हन के हैंडबैग में, ब्राइड के हैंडबैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट इज़ इन द ब्राइड हैंडबैग, ब्राइडल हैंडबैग लिस्ट आज मैं बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये हैंडबैग है ये एक, एंड ये मुझे गिफ्ट में मिला है अभी, एंड इसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल देखिए पॉलीथिन वगैरह भी लगी हुई है। तो अभी एक्चुअली शादी में गिफ्ट में मिला था, उसके बाद से कभी मौका ही नहीं मिला मुझे यूज़ करने का। तो इसी में मैं सारा सामान अभी रख के देखूँगी एंड आपको बताऊँगी। एंड आपको ये सारा सामान अपने ब्राइडल हैंडबैग में रखना है जो भी आप हैंडबैग परचेस करेंगे। तो आइए इसे ओपन करती हूँ मैं। इसके अंदर देखिए अभी तक पॉलीथीन्स एंड कागज़ वगैरह भरे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे अनपैक भी नहीं किया है, जस्ट आज वीडियो के लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए इतना सारा इसमें सामान फिल है ऑलरेडी, इसको मैं अलग कर देती हूँ। एंड यस देखिए ये बिल्कुल खाली हो चुका है। तो नाउ अब मैं इसमें सारा सामान रखने जा रही हूँ। गर्ल्स, आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैंने काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाए हैं, ब्राइडल ग्रूमिंग टिप्स से लेके प्री ब्राइडल स्किन केयर, हाउ टू पैक फॉर ब्राइडल ट्रूसो लिस्ट, शादी की शॉपिंग, ए टू जेड मैं ब्राइडल गाइड हूँ। और ए टू जेड आपके पास मेरे चैनल पे आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गर्ल्स, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ वो वीडियो शेयर कर सकूं और आपकी क्वायरी दूर कर सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है blushingbeauty42। एंड आइए करते हैं वीडियो को प्रोसीड। सबसे पहले गर्ल्स मैं आपको बताती हूँ, ये है देखिए जूड़ा पिन है ये। तो जूड़ा पिन हमेशा हमें अपने ब्राइडल हैंडबैग में रखने चाहिए। मैं जल्दी जल्दी रखते जाती हूँ, आप लिखते जाइएगा। ये जूड़ा पिन है, इसे रख दिया है। एंड ये एक फ़ेस वॉश है। फ़ेस वॉश की ज़रूरत आपको तब होती है जब आप अपनी ससुराल में जाते हैं, विदाई के बाद जब आप जल्दी ससुराल पहुँचेंगे ना, तो आप तुरंत जाके ट्रॉली अनपैक नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि आपका फ़ेस वॉश कहाँ रखा है, शैम्पू कहाँ रखा है। तो कुछ जो चीज़ें हैं जाते ही ज़रूरत होंगी, क्योंकि आपने इतना हैवी मेकअप जो किया होगा आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आप फ़ेस वॉश छोटा ले लीजिए, इससे छोटा भी ले सकते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा है, इससे छोटा ले लीजिए ताकि एक दो बार के लिए आप यूज़ कर सकें। तो आप इस तरह का फ़ेस वॉश ज़रूर रखिए, आपको वहाँ जाके फ़ेस वॉश की तुरंत से ज़रूरत होगी। ये मैं अपने बैग में रख दे रही हूँ। एंड बॉडी लोशन, ये देखिए आपको फेस बॉडी लोशन और पूरा हैंड में लगाने के लिए, पूरी बॉडी पे लगाने के लिए, मतलब बॉडी लोशन और फेस क्रीम भी ज़रूरत होगी। तो आप एक छोटी सी फेस क्रीम और इस तरह का बॉडी लोशन भी रखिए। तो ये भी मैं इसी के अंदर रख दे रही हूँ। अब आपने जब फेस वॉश कर लिया है गर्ल्स, अब आपने फेस वॉश कर लिया है एंड अब आपको लगाना है, कोई मॉइस्चराइज़र लगा चुके हैं आप, उसके बाद आप करेंगे अपना कोई भी मतलब क्रीम लगाएंगे आप। तो आप चाहे कोई सीसी क्रीम रख लीजिए, या चाहे तो इस तरह का कोई छोटा फाउंडेशन का पैकेट रख लीजिए। छोटा सा फाउंडेशन है एंड ये है मेबलिन का, मेरा शेड है वार्म न्यूड। अगर आपकी स्किन का टोन मेरे शेड जैसा ही है, मीडियम टू फेयर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फेयर का नहीं कहूँगी, मीडियम टू फेयर टच में आता है एंड इस तरह का शेड है, तो आप वार्म न्यूड ले लीजिए, परफेक्टली मैच करता है। ये छोटा सा है एंड ये 300 रुपये में आ जाता है, 299 का आ जाता है, और कभी डिस्काउंट चल रहा होता है तो और कम का मिल जाता है। तो आप ये ले सकते हैं, ये भी मैं अपने बैग में रख देती हूँ। इसी तरह अब आपको एक कॉम्पैक्ट भी चाहिए होगा गर्ल्स। मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट एंड ये है मैटे पोरलेस कॉम्पैक्ट। इसमें मैंने नेचुरल आइवरी लिया है, क्योंकि कॉम्पैक्ट एक शेड आप लाइटर ही लगाएंगे। तो जो भी आपका कॉम्पैक्ट है आप अपने हैंडबैग में ज़रूर रखिएगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पैक्ट हो, ये रख लीजिएगा। एंड आगे बताती हूँ गर्ल्स, सबसे ज़्यादा। अब कॉम्पैक्ट की ज़रूरत आपको तब भी होती है जब आप पार्लर से अपना मेकअप करा के आ गए होते हैं, स्प्रे हो गया होता है, गर्मियों का सीज़न होता है तो आपको चाहिए होता है एक टचअप के लिए। तो आप फाउंडेशन दोबारा नहीं लगा सकते हैं, ना ही कॉम्पैक्ट रीअप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट के जो मतलब उसका स्पॉन्ज होता है कॉम्पैक्ट के अंदर, उससे आप सिर्फ डैप डैप कर सकते हैं। सपोज़ मैंने अभी अपना सीसी क्रीम लगाई हुई है और मुझे स्वेटिंग हो रही है फेस पे, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको ओपन करूँगी एंड इसका जो ये है स्पॉन्ज कहेंगे या जो भी आप कहते हैं, इससे हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी और बिल्कुल डैब डैब कर लूँगी ताकि ये पसीना मेरा एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है अपने फेस पे, वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसा करना है कि आपकी जो स्वेट है वो इसमें आ जाए, बाकी ड्राई हो जाए। एज अ ड्राई टिश्यू की तरह ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड आगे बताती हूँ गर्ल्स, ये हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के शेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये दोनों लिपस्टिक के शेड वो हैं जो मैं अपने शादी में लगाऊंगी, मतलब लगाया था मैंने। एंड जो भी आप अपनी शादी में यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक, पार्लर वाले क्या करते हैं एक बार लिपस्टिक लगा देंगे और अगर आपकी लिपस्टिक वहाँ पे शादी के टाइम पे कुछ खाने में या किसी तरह फेड हो गई तो आपके पास वो शेड नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए आप अपना शेड ख़रीद के जाएँ और वही शेड अप्लाई करें जो आपके पास है, ताकि आप रीअप्लाई कर सकें। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये दोनों लिपस्टिक मैंने लिया हुआ है, ये लिक्विड लिपस्टिक है, वाटरप्रूफ है, ख़राब नहीं होंगी। बट बाई चांस, कहते हैं ना बाई चांस, इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ गई, देखिए लिक्विड लिपस्टिक वैसे ख़राब नहीं होती है पानी से, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जब आप कोई ऑयली चीज़ खाते हैं, लिक्विड लिपस्टिक कैसे रिमूव की जाती है, कोई भी मतलब आप ऑयली चीज़ अप्लाई करेंगे या लिप बाम अप्लाई करेंगे तो वो छूटेगी। देखिए मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाई हुई है एंड ये नहीं छूटेगी, देखिए नहीं छूट रही है। लेकिन अगर मैं अभी कोई ऑयली चीज़ लगाऊंगी और उसके बाद इसको मतलब रब करूंगी तो हाल निकलने लगेगी। तो जब भी आप कोई खाना खाते हैं अपने शादी में या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं तो ऑयल आपके लिप्स पे लग जाता है, जिसके कारण लिपस्टिक छूटने लगती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये लिपस्टिक ज़रूर रखिएगा। तो ये भी मैं रख लेती हूँ गर्ल्स। मैंने रख लिए थे जूड़ा पिन्स, अभी हेयर पिन्स रख रही हूँ। हेयर पिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई केसेस में आपका जूड़ा जो होता है लूज़ होने लगता है। अब उसकी वजह ये होती है गर्ल्स, जब भी आप डबल चुन्नी ड्रेपिंग करवाते हैं, डबल दुपट्टा ड्रेपिंग करवाते हैं, तो एक हैवी जूड़े के ऊपर आपका दुपट्टा, गजरा ये सब लगा रहता है और वो सारा पिन्स के साथ सिक्योर रहता है, हेयर पिन्स के साथ और जूड़े पिन्स के साथ। कई केसेस में क्या होता है, आप का जो मतलब भारी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हल्का लूज़ होने लगता है, आपको लगता है कहीं खुल ना जाए। तो इमरजेंसी के लिए आपके पास सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स और आपके जूड़ा पिन्स होने चाहिए। अगर आपको इन केस बिल्कुल भी फील हो रहा है कि हिल रहा है, वो लूज़ हो गया है, तो आप उसे दोबारा टाइट कर सकते हैं पिन्स के साथ। एंड गर्ल्स मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूँ, पार्लर वाले वैसे तो बहुत अच्छे से हेयर स्प्रे करते हैं, बहुत अच्छे से सेट करते हैं, बट इन केस इमरजेंसी के लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इन दोनों को ज़रूर रखिएगा। सेफ्टी पिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लहंगा, दुपट्टा, चोली कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड हेयर पिन्स, जूड़ा पिन्स ये सब आपको रखना ही है। एंड अब बात करते हैं नेल पेंट। नेल पेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो मैंने नेल पेंट नहीं लगाई हुई, जब से मेरे नेल्स टूट चुके हैं मुझे नेल केयर करने की इच्छा नहीं हो रही है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो गर्ल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये नेल पेंट। मैंने ये वाला नेल पेंट अपनी शादी में लगाया था। जो भी आप अपनी शादी में नेल पेंट लगा रहे हैं वो आप अपने पास रखिए। देखिए क्या होता है, आप नेल पेंट लगा लेते हैं सुबह, मतलब आज आपकी शादी है, रात में फंक्शन शुरू होगा, रात में ही होता है सब कुछ, तो आज सुबह ही आप जब नहा धो के फ्री होंगे पार्लर जाने से पहले आप लगा लेंगे नेल पेंट या पार्लर में लगाएंगे। कई बार क्या होता है हल्का सा छूटने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। आप नेल पेंट रखिए, अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने रूम में जाके नेल पेंट किसी से भी बोल के रीअप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आपका नहीं भी छूट रहा है तो शादी के बाद भी आपका तुरंत नेल पेंट छूट जाएगा अगले दिन, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप वहाँ से ससुराल में जाके नेल पेंट को रीअप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट का काम होता है। तो आप एक नेल पेंट ज़रूर रखिए। गर्ल्स आपको रखने हैं टिशू। टिशू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन लड़कियों को जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। मैं पहले ही बता देती हूँ टिशू की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है शादी की रात। आपके पास आपके पर्स में टिश्यूज़ होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि शादी की रात ही चाहिए होगा, वो तो अगर आपकी फंक्शन चल रहा है तो आपको कोई भी टिश्यू ला के दे देगा फंक्शन में, लेकिन जब आप अपने यहाँ से ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे आपको टिश्यू की ज़रूरत होगी, जो कि घर में इतने आसानी से नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो आपके पास अपने टिश्यू होने चाहिए। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये टिश्यू है एंड ये वेट टिश्यूज़ हैं, मेकअप रिमूवर वाले टिश्यूज़ हैं। तो जब भी मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी तो इसी के साथ करूँगी। आप ड्राई टिश्यूज़ भी ज़रूर रखिएगा। गर्ल्स, अभी मेरे पास ड्राई टिश्यूज़ नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं एंड वेट हैं तो वेट ही रख दे रही हूँ, लेकिन आप ड्राई प्लस वेट दोनों टिश्यूज़ रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी मैं चेक करके बताती हूँ क्या क्या और रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये बिंदी, बिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, ये बिंदी मैंने अपनी शादी में लगाई थी लहंगे पे, तो इस तरह की बिंदी मैंने यूज़ की थी एंड इस तरह की भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपकी एक दो चॉइसेस हैं वो आप बिंदी रख लीजिए, जैसा छोटी बड़ी आपकी पर्सनल चॉइस है। एंड ये छोटी बिंदी हैं जो मैं रख रही हूँ, तो ये 2-3 पैकेट्स हैं जो मैं ऊपर रख रही हूँ, जिसकी ज़रूरत मुझे जाते ही पड़ेगी या शादी की रात पड़ेगी। हम जो ब्राइडल हैंडबैग तैयार करते हैं गर्ल्स, वो हैंडबैग सिर्फ शादी की रात के लिए नहीं होता है। शादी के बाद जो विदाई हो जाती है, विदाई वाले दिन, यानी आज आपकी शादी है तो कल विदा होकर जब आप ससुराल पहुंचेंगे, उस दिन के लिए भी ये हैंडबैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस हैंडबैग में आपको वो सारी चीज़ें रखनी है जो आपको अगले दिन तुरंत ज़रूरत पड़ेंगी, आपकी बॉडी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड। तो अब बात कर लेते हैं ये गर्ल्स, ये चीज़ें आप ज़रूर रखिएगा। लाइनर और मस्कारा कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, शादी की रात को भी आपको लाइनर की ज़रूरत पड़ सकती है, मस्कारे की ज़रूरत पड़ सकती है। और शादी के बाद जब आप फेस वॉश कर लेंगे अपने ससुराल में, उसके बाद आप मेकअप तो करेंगे ही। अब शादी के बाद जब आप मेकअप करेंगे तो लाइट वेट मेकअप करेंगे, तो आपको सिर्फ लाइनर और मस्कारे की ही ज़रूरत होगी, ना कि आई शेडोज़ की। तो आई शेडो रखने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्स में, आप सिर्फ लाइनर और ये मस्कारा रखिए एंड एक आईब्रो पेंसिल रखिए। इतनी चीज़ों की ही ज़रूरत है। इसके अलावा आप आई शेडो लगा के तो ससुराल में जाते ही मेकअप करेंगे नहीं। हाँ, रिसेप्शन है उस केस की बात अलग हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें भी मैं स्टोर कर देती हूँ। आपको चाहिए गर्ल्स एक लिप बाम। लिप बाम ये मैं रख रही हूँ, लिप बाम इसलिए कि आप जब ससुराल पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने लिप्स को नरिश करना होगा। तो लिप्स पे जब ड्राई लिपस्टिक लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सूखे सूखे से हो गए हैं, तो आपको लिप बाम की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिप बाम ज़रूर रख लीजिएगा। एंड कुछ चीज़ें हैं ये जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं शादी ब्याह में। अभी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है फेस मास्क। फेस मास्क आप रख लीजिएगा, कोई भी एक रख सकते हैं, कैसा भी रख सकते हैं। एंड हैंडकरचीफ, ये मैंने इस तरह का लिया है, कॉटन वाला है, ये देखिए छोटा सा है एकदम। आप चाहें तो टॉवल वाला रख सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी। इतना बड़ा सा आता है, तो इस तरह का मैंने हैंडकरचीफ रखा हुआ है, ये भी रख देती हूँ। एंड ये है कुछ लिफाफे। मैंने हमेशा आपको कहा है कि शादी की बात हो तो लिफाफे मस्ट हैं। आप तरह तरह के कलरफुल लिफाफे रखिए एंड इन लिफाफों में पैसे रखिए, मतलब कैश रखिए, ताकि आपको पता चल सकेगा कि किसको कितने रुपए आपको अपने ससुराल में देने हैं। जो भी बहुत सारी रस्में होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें आपको लिफाफे देने होते हैं, तो आप ये लिफाफों में कैश रखिएगा। अपने पर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी रखिएगा, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो काम आएगा। तो ये मैं लिफाफे रख ले रही हूँ अपने बैग में। एंड गर्ल्स, आपके पास आपका एक पर्सनल मिरर होना चाहिए। आजकल सब लोग फ़ोन में देख लेते हैं, कहीं कहीं देख लेते हैं, बट जो मिरर की चीज़ होती है वो फ़ोन में नहीं आती। आप फ़ोन में अगर अपनी फ़ोटो देख रहे होंगे ना, तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना मिरर में दिखेगा। मिरर में अगर कोई फेस पे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो दिख जाएगी, लेकिन जो कैमरेज़ होते हैं हमारे, वो एक्चुअल ना दिखा के थोड़ा एडिटिंग कर ही देते हैं। तो ये मिरर आप ज़रूर लीजिएगा इस तरह का। देखिए, मैंने मिरर लिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये मिरर भी मैं रख दे रही हूँ, बहुत प्रिटी सा है, छोटा सा लिया हुआ है। एंड गर्ल्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो आपको लेना है ये परफ्यूम। परफ्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे डिओड्रेंट लें या परफ्यूम लें, परफ्यूम शादी में इसलिए कहूँगी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड परफ्यूम ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप डिओड्रेंट भी रख सकते हैं। तो ये परफ्यूम मैं अपने बैग में रख रही हूँ। इसको मैं शादी की रात पे भी अप्लाई करूँगी, शादी के बाद भी अप्लाई करूँगी और रिसेप्शन पे भी अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा 1-2 परफ्यूम और डिओड्रेंट्स अपने ब्राइडल मेकअप किट में रख सकते हैं। मैंने भी रखे थे, बट हैंडबैग में एक से ज़्यादा की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो आप एक ज़रूर रखिएगा। ये भी मैंने रख दिया है। एंड अभी मैं आपको बता देती हूँ गर्ल्स मेरे पास अभी सैनिटाइज़र की बॉटल नहीं है, वरना आप छोटा सा सैनिटाइज़र ज़रूर लीजिएगा। देखिए कोविड अभी भी बढ़ रहा है, अगर आप न्यूज़ देखें तो आपको पता होगा कि कोविड अभी फिर से बढ़ने लगा है, कई केसेस में कई जगह लॉकडाउन भी लग रहा है दोबारा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कह रही हूँ कि आपके लिए सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो अभी मेरे पास सैनिटाइज़र की बॉटल नहीं है, इस तरह के पैकेट्स हैं तो मैं पैकेट ही रख के दिखा दे रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास छोटी सी बॉटल होगी तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि पैकेट को खोल के आप यूज़ करेंगे तो बार बार प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने चूड़ा पहना होगा, रिंग्स पहनी होंगी तो फाड़ने में दिक्कत होगी। अगर बॉटल होगी तो आप टिक टैक वाली बॉटल से हाल यूज़ कर पाएंगे, तो छोटी बॉटल ले लीजिएगा। एल्स आप ये इस तरह के पैकेट्स भी ले सकते हैं। एंड गर्ल्स मैंने लिया है ये शैम्पू के पैकेट एंड कंडीशनर के पैकेट। अब आप सोच रहे होंगे शैम्पू कंडीशनर के पैकेट की क्या ज़रूरत है। गर्ल्स शैम्पू और कंडीशनर की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप शादी के बाद ससुराल पहुंच जाएंगे। ससुराल में आपको चाहिए होगा हेयर वॉश। जब आप जूड़ा अपना खोलेंगे, इतना ज़्यादा हेयर स्प्रे होता है, और उसके बाद जब जूड़ा आप मतलब ओपन करते हैं हेयर्स, तो आपके बाल बिल्कुल कड़े हो जाते हैं। मैं रियली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बाल ऐसे हो गए थे, एकदम चिपके, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, बस पानी से जाके जल्दी से धो लूँ। तो पानी से धुलने पर भी कुछ नहीं होता है, आपको चाहिए तुरंत शैम्पू। वैसे तो शैम्पू आपको अपने ससुराल में मिल ही जाएगा, बट फिर भी आप अपने पास ये 1 रुपये 2 रुपये वाले कोई भी पाउच रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन वही शैम्पू लगाएं जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। छोटा सा शैम्पू का पाउच रख लीजिए, इससे आपका हैंडबैग भारी भी नहीं होगा, ईजिली टू ट्रैवल हो जाएगा, और ये आप एक दिन एक बार यूज़ कर सकते हैं बिना झिझके। और कंडीशनर भी रखिएगा। एंड देन आप क्या रखेंगे, कुछ इस तरह के हेयर बैंड वगैरह रख लीजिएगा आप अपने पर्स में, जो कि ज़रूरत पड़ सकती है रैंडमली। गर्ल्स अगर आप कोई स्पेशल मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, जो भी आपकी रेगुलर दवाएं चल रही हैं वो ज़रूर रखिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा। वो पर्स में ऊपर आपके पास होनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप टाइम पड़ने पर ले सकें। तो ये मेडिसिन भी मैं रख दे रही हूँ। एंड आपको रखना है एक कॉम या हेयर ब्रश। तो अभी कॉम या हेयर ब्रश में से आप रख सकते हैं। ये मेरा हेयर ब्रश है, तो ये मैं हेयर ब्रश रख रही हूँ। इस हेयर ब्रश में मैंने पीछे मिरर भी मतलब अटैच है, तो मुझे मिरर एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो मैं इस तरह से देख सकती हूँ। तो आप कुछ इस तरह का सेट ले लीजिए कि हेयर ब्रश के पीछे ही मिरर हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं रखनी होंगी। एंड ये चीज़ें मैंने रख ली हैं। अभी और चीज़ें 1-2 रह गई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा आप अपना सेल फ़ोन, जो अभी तो मेरे सेल फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए अपना सेल फ़ोन नहीं रखा है, लेकिन आप अपना सेल फ़ोन, अपने सेल फ़ोन का चार्जर, अगर आपके पास ईयरफोन है अपने ईयरफोन, अगर आपके पास कुछ और भी है यानी पोर्टेबल चार्जर है, तो उस तरह का आप सामान सारा अपने पर्स में रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेल फ़ोन बहुत ज़्यादा चोरी होता है, तो आप अपने मतलब पर्स में संभाल के अपना सेल फ़ोन रखिएगा। शादी ब्याह में ये चीज़ें ज़्यादा इधर से उधर होती हैं, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। गोल्ड की ज्वेलरी जो भी आपको मिल रही है या आपके घर वाले दे रहे हैं, कोशिश कीजिए वो आप अपने हैंडबैग में रखिए और अपने पास रखिए, ताकि आपको श्योरिटी हो कि हाँ गोल्ड का सामान सेफ़ आपके पास रखा हुआ है। ट्रूसों में पैक करने की जगह आप अपने पर्स में रखिएगा, क्योंकि ट्रूसों में जब आप गोल्ड ज्वेलरी रखते हैं तो उस केस में लॉक होता है, कब क्या दुर्घटना हो जाए तो इस चीज़ का हमें नहीं पता होता है, तो आप खास ख्याल रखिएगा गोल्ड की ज्वेलरी का। ध्यान रखिएगा आपको लेना है एक माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जिन लड़कियों के मुंह से ज़रा भी स्मेल आती है, देखिए कई केसेस में क्या होता है, जब हम चाय दूध पीते हैं तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली स्मेल आने लगती है। एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है, जब हम कुछ नहीं खाते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक, 6-7 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया, तो आपके मुंह में एक स्मेल आती है जो कि आपको फ़ील नहीं होती है, सामने वाले को फ़ील होती है। तो शादी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, तो आप रखिएगा माउथ फ्रेशनर, या फिर माउथ फ्रेशनर अवॉइड करके आप मिंट रख लीजिएगा, या फिर कोई च्युइंगम या सेंटर फ्रेश टाइप की चीज़ें, जिससे आपका माउथ फ्रेश रहेगा, स्मेल नहीं आएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सेंटर फ्रेश रख लीजिएगा, 10 मिनट चबा के आप उसे थ्रो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ बता रही हूँ, इसका खास ख्याल रखिएगा। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, बट कुछ ऑकवर्डनेस का हमें सामना करना पड़ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये चीज़ फील ना हो। एंड गर्ल्स आपको लेना है पेपर सोप। अब आप सोच रहे होंगे पेपर सोप की क्या ज़रूरत है, तो पेपर सोप की ज़रूरत तब पड़ेगी गर्ल्स, जैसे कि मान लीजिए आपका शादी यहाँ हुई है, मतलब यहाँ इस शहर में हुई है और दूसरे शहर में आपका ससुराल है और विदा करके दूसरे शहर ही जाना है आपको कार से, तो रास्ते में अगर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का फासला है तो उस केस में आपको कहीं वॉशरूम भी जाना होगा। वॉशरूम के केस में आप एक पेपर सोप रखिए ताकि आप हैंड वॉश करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे बाहर हैंड वॉश मिल जाते हैं लेकिन कोरोना का टाइम है तो आप सेफ्टी को इन्वॉल्व करके अपना हैंड वॉश यानी अपना पेपर सोप लेके जाइएगा, देन आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, गर्ल्स प्रॉब्लम, पीरियड्स है, तो आप रखिएगा अपना सैनिटरी आइटम यानी पैड्स रख लीजिएगा अपने पर्स में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैड्स रखना। एंड अगर नहीं भी है, आने वाला है, तब भी आप अपने पर्स में संभाल के रखिएगा। एंड मॉइस्चराइज़र रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने पर्स में रखनी है। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज़ यानी ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये पर्स जो ब्राइडल हैंडबैग मैंने आपके साथ शेयर किया, ये लिस्ट, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय गर्ल्स, टेक केयर।